धू धू कर जल रहा खेतों में जो पुआल है, जरा धरती माँ से पूछो उनका कैसा बुरा हाल है। विगत कुछ वर्षों से उत्तर भारत के किसानों में फसल उत्पादन के उपरांत अवशेषों को खेतों में ही जला देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो कि न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के नजरिए से जानलेवा है बल्कि खेतों के स्वास्थ्य के लिए भी भारी नुकसानदायक है। इस समस्या के पीछे दो कारण हैं। पहला, किसानों के बीच भ्रांति। किसानों के बीच ऐसी मान्यता है कि पुआल को खेतों में जलाने से खरपतवार और कीटों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि इस क्रिया से फायदे का कोई वजह नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम आपके सामने कुछ हकीकत रखते हैं, फिर आप खुद तय करें कि फसल अवशेषों को जलाने से फायदा है या नुकसान। पुआल जलाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्षति होती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को नुकसान पहुंचता है। जमीन में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवियों का सफाया हो जाता है। फसल अवशेष जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। फसल अवशेष जलने से एरोसॉल के कण निकलते हैं जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं। अक्सर गांव में फसल अवशेष जलने से अगलगी की समस्या देखी जाती है। एक टन पुआल जलाने से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। इसका असर क्या पड़ता है, आइए देखें। नाक और गले में समस्या होती है, आंखों में जलन होती है, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने के पीछे दूसरा कारण है अगली फसल के लिए समय की बचत करना। यानी किसान इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि पिछले फसलों के अवशेषों को उचित प्रबंधन के बजाय जला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप निर्ममता से जला देते हैं वही पुआल आपकी खेती में कितना काम आता है? एक टन फसल अवशेष जमीन में मिलाते हैं तो इतनी मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, पोटाश 30 से 40 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 से 800 किलोग्राम। पुआल कूड़ा नहीं, खेती का गहना है। इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है। आज कृषि की कई ऐसी तकनीकें और मशीनें हैं जिनकी मदद से फसल अवशेषों को प्रबंधन कर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इस मशीन द्वारा गेहूं की बुआई के समय धान की खूंटी को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति और संरचना अच्छी बनी रहती है। हैप्पी सीडर कंबाइन मशीन द्वारा काटे गए धान के खेतों में बिना पुआल जलाए गेहूं की बुआई सरलता से कर सकता है। मल्चर धान के पुआल एवं खरपतवारों को काटकर मिट्टी में मिला देता है।
इसकी सहायता से धान की कटाई के बाद गेहूं की तुरंत बुआई की जा सकती है। स्ट्रॉ बेलर, यह यंत्र खेतों में बिखरे पुआल को एकत्रित कर ठोस वर्गाकार बना देता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्ट्रॉ रीपर, यह यंत्र भूसा बनाने के प्रयोग में आता है। इसकी सहायता से एक घंटे में लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई की जा सकती है। रीपर कंबाइंडर, यह धान एवं गेहूं की कटाई का आधुनिक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से कटाई के साथ साथ बांधने का काम भी साथ साथ हो जाता है। इससे किसी तरह के फसल अवशेष खेतों में नहीं बचता। हे रेक, इसका उपयोग फसल अवशेषों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की संरचना इस तरह तैयार की गई है कि अवशेषों को सुखाकर एकत्र भी किया जा सके। फसल अवशेषों से कंपोस्ट खाद बनाएं। सरल विधि से फसल अवशेषों में यूरिया का स्प्रे कर खुले स्थान या गड्ढे में फसल अवशेषों को डालकर एक बढ़िया खाद बना सकते हैं। सजावटी सामान बनाएं। फसल अवशेष विशेषकर धान के पुआल से बेहतरीन सजावटी सामान बनाए जा सकते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले की महिलाएं पुआल से बना रही हैं तरह तरह की सजावटी सामान। इससे इन्हें अच्छी आमदनी और सम्मान प्राप्त हो रहा है। फसल अवशेषों से इस प्रकार के खाने की डिस्पोजेबल थाली बनाने की शुरुआत कर चर्चा में आए आईआईटी दिल्ली के इन छात्रों ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक नए युग की शुरुआत भारत में की है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी असीम संभावनाएं हैं। हरियाली है, खुशहाली है, इस मिट्टी से ही हमारी दुनिया निराली है। आइए इन अनमोल मिट्टी को बचाएं, फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं, एक बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं।